हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज का जो व्लॉग है, काफ़ी महीनों बाद मैं बनाने जा रहा हूँ। आज हमारे में शिमला सोलन के रीजन में हैवी रेनफॉल हो रहा है, जिस वजह से आज स्कूल कॉलेज सब कुछ ऑफ है, पर मुझे अपनी लैब में कुछ काम है तो मैं वहाँ पे भी जा रहा हूँ। तो गाइस, ये रास्ता जाता है मेरे कॉलेज की तरफ, और अभी मैं यहाँ पीछे से आया हूँ, वहाँ पर मेरा हॉस्टल है और अभी हम इस रास्ते में आगे जा रहे हैं। तो गाइस, अभी मैं पहुंचा हूं जिमनेजियम के बाहर। यहां से हमारे कॉलेज की जो बिल्डिंग्स है उसकी तरफ रास्ता जाता है ये। आप कह सकते हो कि ये मेन कैंपस की तरफ अभी मैं जा रहा हूं। तो गाइस, ये मेन वो जगह है जहां से रोड तीन डायरेक्शन में डिवाइड होता है। फर्स्ट जो ये डायरेक्शन है, इस तरफ कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री, और वो सामने रही यहाँ की लाइब्रेरी, और इस तरफ मेन चौक है जिसका नाम है क्रांति चौक, और इसके साथ ही वहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, वो सामने रहा यहाँ का प्लेग्राउंड। तो अभी हमें जाना है इस तरफ, और यहाँ लाइब्रेरी के बाहर एक नेस्कैफे है जहाँ पे हम फ्री टाइम में कॉफ़ी पीने आते हैं, और वो ओपन एयर थिएटर, और उसी के साथ इस तरफ यहाँ है स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग, और वो नीचे स्टूडेंट कैफेटेरिया। तो अभी मुझे जाना है अपनी लैब की तरफ, जो कि सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसके अंदर है। अभी मैं आपको यहाँ पे आगे भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे बाकी क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सामने रहा हमारा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, और अगर हम यहाँ से राइट की तरफ मुड़ते हैं तो सामने आप बड़ी सी बिल्डिंग देख सकते हो, ये है ऑडिटोरियम हमारी यूनिवर्सिटी का। उसी के साथ पीछे कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। साथ में ही ये जो रास्ता है ये जाता है कैंटीन की तरफ। तो गाइस, वो सामने रहा यहाँ का कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री। ये दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, ये ब्लॉक वन है, वो रहा यहाँ का फॉरेस्ट्री ब्लॉक टू। तो सामने आप देख सकते हो ये यहाँ का ऑडिटोरियम, और ये रास्ता जाता है सामने सोलर मेस के लिए। तो अब मैं चलता हूँ अपनी लैब की तरफ। अभी मैं आपको अपनी लैब दिखाने जा रहा हूँ। ये बिल्डिंग है जिसके अंदर मेरी लैब है, और सामने आप देख सकते हो वो है कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री। तो मेरी लैब जाने का रास्ता, तो गाइस ये है मेरी लैब है, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैब, टिश्यू कल्चर वाली लैब, और सामने हमारी लैब में एक ये रूम है जिसे हम कल्चर रूम कहते हैं, टिश्यू कल्चर रूम। इसमें आप ये देख सकते हो मेरे पीछे इतने सारे जो फ्लास्क रखे गए हैं, इसमें हमने अलग तरह के प्लांट्स कल्चर करके रखे हैं। और अभी मैं आपको बैक कैमरे से अच्छे से दिखाता हूँ कि हमारी लैब दिखती किस तरह की। गाइस, ये रही हमारी लैब, या आप स्पेसिफिकली बोल सकते हो टिश्यू कल्चर रूम, या फिर जहाँ पे कि हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सब प्लांट्स को ग्रो कराते हैं। और ये सामने है हमारे लेमिनार एयर फ्लोस, इसमें हम ये सारी कल्चरिंग परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद हम प्लांट्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं इन रैक्स पे। जितने ये प्लांट्स हैं ये सब जिंजर के हैं, यानी कि अदरक। तो ये सारे रैक फ़िलहाल अदरक के कल्चर्स हैं, आप देख सकते हो ये सब। इसके बाहर, इस दरवाजे के बाहर हमारे बैठने की जगह है। फ़िलहाल ये हमारा कल्चर रूम है, दिन का आधा टाइम हमारा यहीं पर बीतता है। तो गाइस, अभी मुझे मीडिया बनाना है। तो गाइस, ये मेन दरवाज़ा है हमारे टिश्यू कल्चर रूम में आने का, और इसके साथ ही यहाँ बीच में एक गैप है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे सब हम जूते और चप्पल रखते हैं, क्योंकि हम इस कल्चर रूम में बाहर से लाए गए जूतों को पहन के नहीं जा सकते। तो यहाँ पे स्पेशल हमने कुछ चप्पल रखे हुए हैं जिनको पहन के ही हम अंदर जाते हैं। और जैसे कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं अपने जूते पहन सकता हूँ, पर अंदर जाते हुए मुझे अपने जूते खोल कर ये चप्पल पहन के अंदर जाना होता है हमेशा। तो गाइस, बस थोड़ी देर में ये ऑटोक्लेव हो जाएगा, उसके बाद मैं सारा सामान ले जाके अंदर टिश्यू कल्चर रूम में ले जाऊंगा, जहाँ पे कि मैं। सो गाइस, ये है बड़ी। क्या कर रहे हैं आप इधर, खाना खा लिया? तो ये है हमारा हॉस्टल। वीडियो मैं नेक्स्ट दिन बना रहा हूँ, क्योंकि पिछले कल मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। तो आप देख सकते हो हमारा हॉस्टल, सामने यहाँ की मेस है। रूम भाई, हेलो, ये है मिस्टर शुभम। यस, तो अभी हम आए हैं लंच करने, चले फिर। नहीं नहीं ठीक है, चलो।
तो ये है डॉक्टर बड़ी और शुभम भाई, ये हमारी मेस। तो गाइस ये है हमारी यूनिवर्सिटी का मेन गेट, यहाँ से अभी हम अंदर जाएंगे और मैं रास्ते में आपको दिखाऊंगा कि हमारा कैंपस कैसा दिखता है अंदर से। है रोज़ गार्डन, दिन में बहुत प्यारा लगता है, यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं रोज़ की। लगभग 1.5 किलोमीटर और चलेंगे ग्राउंड की तरफ। कैंपस में पैदल चलने का मज़ा ही अलग है। तो गाइस ये है यूनिवर्सिटी का एडमिन ब्लॉक, जहाँ पे पीसी सर रजिस्ट्रार बैठते हैं। गाइस ये हम पहुँच चुके हैं अपने प्लेग्राउंड के पास, तो वो वहाँ पे रहा क्रांति चौक और इसी के साथ इस तरफ प्लेग्राउंड, लोग अभी फुटबॉल खेल रहे हैं।